अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब अच्छे वाफियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जो हम ट्रायंगल्स पढ़ते हैं उसी का आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें कहते हैं एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। हमें इसमें जो एडी और बीसी है ये तो हमारे इक्वल परपेंडिकुलर्स है जो ए बी पर है, ए पर और बी पर। शो दैट हमें इसमें दिखाना है सी डी, जो इसमें सी डी है ये पूरी जो लाइन है ये किस तरीके से बाइसेक्ट करती है ए बी लाइन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे हमें इसमें जो गिवन है, अगर गिवन देखेंगे हमें गिवन है एडी एंड बीसी आर टू इक्वल परपेंडिकुलर्स। ये दो इक्वल परपेंडिकुलर्स है तो ए बी पर। अगर हम देखेंगे ये हमारे दो परपेंडिकुलर्स है, हमें इसमें क्वेश्चन में कहते हैं आप प्रूफ कीजिए, तो प्रूफ सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। तो अगर हम इसमें देखेंगे प्रूफ, चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसको प्रूफ करते हैं। अगर हम सबसे पहले इसमें देखेंगे हमें जो इसमें ट्रायंगल्स बनते हैं ए ओ डी और दूसरा हमें बनता है इसमें बी ओ सी, जैसे कि ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल, जो हमें इसमें दूसरा ट्रायंगल बनता है वो ट्रायंगल हमें इसमें बनता है बी ओ सी, बी ओ सी आर सिमिलर। अगर हम देखेंगे ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है, कैसे, बाय एंगल, एंगल साइड कॉन्वेंसी सिंस, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। मैंने कहा इसमें जो हमारे दो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल ए ओ डी और जो हमारा दूसरा ट्रायंगल है बी ओ सी, ये दो ट्रायंगल जो है मैंने कहा कि ये सिमिलर है बाय एंगल, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। कैसे दिखा दो, सबसे पहले अगर हम इसमें देखेंगे इसमें ए बी के बराबर है, हमारा ये जो ए है ये बी के बराबर है, ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर्स है। इसमें भी ये 90 डिग्री है, इसमें भी ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर होने की वजह से हमारा ए बी के बराबर है। दूसरा अगर हम देखेंगे हमें क्वेश्चन में ही गिवन है इसमें एडी बीसी के बराबर है, अगर हम देखेंगे इसमें एडी बीसी के बराबर है, एडी बीसी के बराबर है, हमारा एडी बीसी के बराबर है, ये हमें गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है। और अगर हम देखेंगे और एक पार्ट में बनता है एओडी, जैसे कि हमें एओडी और ट्रायंगल बीओसी, हमारा एक तो ट्रायंगल एओडी बराबर है बीओसी के, कैसे ये इसके बराबर है। अगर हम देखेंगे तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, वर्टिकली जो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है उसकी वजह से ये इसके बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होने की वजह से ए ओ डी बी ओ सी के बराबर, दैट मीन्स ये एंगल इस एंगल के बराबर है।
तो इसमें अगर हम देखेंगे therefore हम कह सकते हैं जो हमारा ट्राइंगल AOB है वो सिमिलर है ट्राइंगल BOC के, वो ट्राइंगल उसके बराबर है। तो हम इसमें कह सकते हैं सो कॉमा जो इसमें हमें AO और हमें OB है, AO और जो OB है, AO और जो हमारा दूसरे इसमें OB बनता है इज इक्वल टू OB, कैसे बाय CPCP जो हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है उसकी वजह से हमारा ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर है। तो हम कह सकते हैं इसमें 10, हम कह सकते हैं इसमें CD बाइसेक्ट करता है, जो हमारा CD है ये बाइसेक्ट करता है AB को, 10 CD bisectors AB, hence proved। इस तरीके से हमने प्रूव किया जो हमें क्वेश्चन में कहते थे ये इसको बाइसेक्ट करता है हमें दिखाइए, तो हमने दिखाया कि किस तरीके से जो CD है हमारी जो पूरी CD लाइन है किस तरीके से बाइसेक्ट करते हैं AB को। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। तक अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे।